Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Computer Tricks. Guys, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट गूगल ड्राइव के गूगल ड्राइव क्या है और हम क्लाउड कंप्यूटिंग किस चीज़ को कहते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स अगर अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें. बस बेसिकली हमारे पास जो गूगल ड्राइव है उसके पीछे क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है. क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना डाटा ऑन क्लाउड सेव करते हैं, सिक्योर करते हैं और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर 0% स्पेस कंज्यूम होती है और आपके जितने भी डाटा है वो आपके क्लाउड्स पे डाटा क्लाउड्स पे सेव होता है. इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यू कैन ईजली एक्सेस योर डाटा एंड यूज इट, एंड आपके जितने भी सिस्टम्स होंगे, आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होंगे, उनकी जो स्पेस है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जितना भी डाटा, जितने भी GB से डाटा आपका स्टोर हो रहा है तो वो किस पे सेफ हो रहा है? आपके क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेफ हो रहा है. सो ये मैंने आपके सामने लिंक खोली भी है गूगल ड्राइव की. इफ़ आई टॉक अबाउट गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव बेसिकली इट्स आल्सो पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. इसमें आपका जितना भी डाटा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेफ होता है. सो लेट्स ट्राई. मैंने इस वीडियो की ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो के. सो गो टू द ड्राइव, लेट मी शो यू. ईजी एंड सिक्योर एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कॉन्टेंट. स्टोर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं फाइल्स फोल्डर्स को किसी भी मोबाइल पे, डिवाइस पे, टैबलेट पे और कंप्यूटर. सो कम टूवर्ड्स द लिंक. सो यू कैन चेक, आई ऑलरेडी हैव सेव्ड फ्यू थिंग्स ऑन माई गूगल ड्राइव, राइट? सो द क्वेश्चन इज हाउ यू गोना मेक योर न्यू गूगल ड्राइव. सो द स्टेप्स आर सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू अबाउट गूगल ड्राइव. फ्रॉम दिस बटन यू विल क्रिएट न्यू फोल्डर और अपलोड एनी काइंड ऑफ फाइल. इवन यू कैन शेयर गूगल डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल स्लाइड्स, फॉर्म्स. It depends on your requirements. Shared with me. From that particular option, you can easily share your data with your friends and colleagues. Okay. From there, you can see history, your recent files. If you want to see your start files, you will go there. Let's come towards the my drive. So here we go. Anyhow, now I'm gonna show you that how to create new Google Drive. Let me show you. Go to drive. First, I need to sign in. For example, I'm going to sign it from a new email address. Here we go. आप देख सकते हैं जिस तरह मैं अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन किया मैंने तो मेरे पास क्या खुल गया? गूगल ड्राइव. सो द स्टेप्स आर सिंपल. यू जस्ट हैव टू लॉग इन गूगल ड्राइव फ्रॉम योर करेंट गूगल अकाउंट. फ्रॉम देयर यू विल ईजली एक्सेस योर गूगल ड्राइव. सो हेयर आई कैन ईजली अपलोड ऑल द पिक्चर्स ऑफ फाइल और सम यूजफुल स्टफ व्हिच आई वांट टू अपलोड गूगल ड्राइव. एंड द मेन बेनिफिट विल बी
आपको ये होगा कि यू कैन इजली अपलोड और एक्सेस योर फाइल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी और कंट्री पर चले जाते हैं और आपने सिस्टम साथ नहीं लेके गए, सो इवन फ्रॉम डैट पर्टिकुलर प्लेस यू कैन इजली एक्सेस योर डाटा एंड इम्पोर्टेंट फाइल्स विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव। सो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की एडवांसमेंट से पॉसिबल हो गया है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जीरो जो स्पेस है कंज्यूम हो रही है, और आपका जितना भी डाटा है वो क्लाउड डाटा पे सेफ हो रहा है, और आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग इसी तरह एग्जिस्ट कर रही है। सो लेट्स अपलोड सम फाइल फ्रॉम, आई ऑलरेडी मेंशन फ्रॉम दैट बटन वी विल अपलोड फाइल, फाइल अपलोड। So let's have a look what I should upload. It will be better. So I'm going to upload one image. It has been uploaded. Yes, it has been uploaded. Right. So here we go. So इससे ये होगा कि आप किसी पार्ट में चले जाएं, just you must remember about your email address and its password, so you can easily this file from anywhere. So I hope guys आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़ व अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।